नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा जी का सुंदर दृश्य, और यहाँ देखिए आपको इस पार से उस पार तक नर्मदा जी ही दिख रही हैं। यहाँ दायरा कुछ अधिक हो भी क्यों ना, हम इस समय हैं नर्मदे हर। अभी दोस्तों अभी हम हैं यहाँ पर गुजरात में, गुजरात में भरूच, और भरूच के नज़दीक ही है लगभग 15-20 किलोमीटर शुक्ल तीर्थ। तो शुक्ल तीर्थ में ये देखिए यहाँ पर ये एक आश्रम है, राम जी का मंदिर बोला जाता है। और अभी चलते हैं साधु संतों से मिलते हैं वहाँ अगर कुछ, और इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये पूरा नज़ारा दिखा दें नर्मदा जी का। नर्मदे हर, बहुत दिनों बाद हमारा ये नर्मदा जी का ब्लॉग आ रहा है, अस्वस्थ होने के कारण नहीं डाल सका। अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपको कर सकूं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। ये देखिए ये आ गए हम श्री राम मंदिर। महाराज जी हैं क्या? '73 में है ना? हाँ। ये सिंहासन बन के तैयार हुआ है। हाँ। मंदिर ये पुराना है? मंदिर पुराना है। अच्छा अच्छा। ज्योति दीदी जी अभी नहीं देखा? अच्छा आप यहाँ जाएंगे ना शुक्लेश्वर महादेव, फिर वहाँ से रिटर्न होके ओमकारनाथ चले जाना। अच्छा, तो वहीं से आपको फिर मंगलेश्वर जाने का रास्ता भी मिलेगा। ज्योति दीदी मंगलेश्वर मिलेंगी? हाँ ज्योति दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए राम मंदिर का प्रांगण है, और ये डबल स्टोरी बना हुआ है, और ये मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये इधर, और ये फर्स्ट फ्लोर पे दो परिक्रमावासी रुके हुए हैं। तो पुजारी जी भी नहीं है यहाँ पर, कोई साधु भी नहीं है, तो हम क्यों ना परिक्रमावासियों से ही कुछ वार्ता कर ली जाए। और परिक्रमावासी भी किसी साधु संत से कम नहीं है नर्मदा जी की परिक्रमा लगाने वाले। तो दो लोग हैं यहाँ पर, देखो अगर बातचीत हो जाती है तो उनसे नर्मदा जी के परिक्रमा में जो भी उन्हें अनुभव प्राप्त हुए हैं साझा करते हैं। आइए नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका शुभ नाम? मैं अंजलिताई शिंदे, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? अच्छा, आप नर्मदा जी की परिक्रमा में हैं? हाँ जी। तो परिक्रमा कहाँ से उठाई थी आपने? परिक्रमा ओंकारेश्वर से उठाई। ओंकारेश्वर से? ओंकारेश्वर। तो इसका मतलब आप समुद्र क्रॉस करके आ गए हैं? समुद्र पार करके आए। ये कितने दिन पहले उठाई थी आपने? हमने 28 दिन को उठाई थी, आज तक 24 दिन हो गए। 24 दिन हो गए? 24 दिन में आप समुद्र क्रॉस करके इधर आ गए भरूच है ना? हाँ। परिक्रमा का कोई अनुभव साझा कीजिए, जैसे काफ़ी लोग परिक्रमा शुरू करना चाहते हैं लेकिन फिर ये सोचते हैं कि इतनी लंबी परिक्रमा 3,500 किलोमीटर की कैसे होगी क्या होगी, तो कुछ उन लोगों को मोटिवेशन मिल सके आपके माध्यम से। नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए जी एक मन की तैयारी होनी चाहिए जी, और मैं ये कैसे करूँगी इसका इसकी तो सोच भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिक्रमा हम करते ही नहीं, परिक्रमा करवाने वाली वो मैया है, हम सिर्फ पैर डालते चलाने वाली भी तो मैया ही है जी। इसलिए वो भय वो डर मन में रखना ही नहीं चाहिए जी। परिक्रमा सिर्फ हम शरीर रूप से चल रहे लेकिन हमें चलाने वाली तो मैया जी है। इसलिए घबराने की तो कोई बात नहीं।
अच्छा, आपने जो परिक्रमा शुरू की है तो कुछ संकल्प था या कोई मनोकामना ऐसा कुछ? संकल्प मनोकामना तो वैसी कुछ भी नहीं थी जी, लेकिन जब जब नर्मदा पुराण पढ़ती थी तब ऐसा लगता था कि जिंदगी में एक बार तो नर्मदा जी की परिक्रमा में करूँगी, करनी चाहिए, इतना ही। अच्छा अच्छा, जब मनुष्य जन्म लेकर आई हूँ तो मनुष्य जन्म लेकर आने के बाद सभी इंसान को एक बार पथ परिक्रमा करनी ही चाहिए, तभी जीवन का सार्थक है। नहीं, जेंट्स तो कर लेते हैं, आप वो पैदल चल रही हैं नर्मदा जी की परिक्रमा कर रही हैं, तो चलने में कोई परेशानी या किसी तरीके की? नहीं, बहुत सारी महिलाओं को ये प्रश्न होगा कि महिलाएं कैसे करती होगी, तो नर्मदा जी ये भी तो एक महिला ही है जी, बिल्कुल, एक वो भी तो एक स्त्री ही है, और स्त्रियों को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी स्त्री ऐसा नहीं कह सकती कि मैं अकेली कैसे परिक्रमा करूंगी, अकेली कोई ही कोई भी नहीं रहता, हर एक व्यक्ति के साथ मैया रहती है जी। इस महिला को डरने की कोई जरूरत नहीं, महिला कर सकती है, परिक्रमा कर सकती है। जैसे परिक्रमा वासियों का एक प्रश्न रहता है कि सूलपाणी झाड़ी में वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप तो क्रॉस कर चुके हैं ना सूलपाणी? हम क्रॉस कर चुके हैं, तो वहाँ का अनुभव क्या रहा? शूलपाणी का जो अनुभव है वो पहले का जो समय था जी, वहाँ शूलपाणी में जरा डरावना था जी, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। जिससे डर था आज वही लोग परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। अच्छा जी, और शूलपाणी में जो सेवा भाव, गरीब लोगों का जो सेवा भाव दिखाई दिया जी, वो तो बहुत विलक्षण ही था। अच्छा जी, अब डराने की बात तो शूलपाणी में नहीं है, नहीं, लेकिन शूलपाणी में जब हम प्रवास करते हैं तब ऐसा लगता है कि सच में मैं अब परिक्रमा कर रही हूँ। अच्छा, मतलब बहुत सारे अनुभूति आती है शूलपाणी में, और आनंद भी आता है। अच्छा, जैसे कि आपको कुछ अनुभूत आई हो साझा कीजिए। उस शूलपाणी में चलते समय जी, जब मैं लखनगिरी आश्रम के पास जा रही थी तब थोड़ा सा पैर घिसक गया, तो पता चला, पहले मन में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ कि इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, वे सहज निकल जा रहे हैं, और मैं नौजवान होते हुए भी मेरा पैर घिसल गया, ऐसा क्यों हुआ? बाद में पता चला कि ये जो नर्मदा मैया जी का ये शूलपाणी जो जंगल है वो नर्मदा मैया जी का हृदय है, और मेरा पैर घिसला तो उसके हृदय में ही घिसला, इसलिए मुझे लगा कि मैं शूलपाणी में पैर घिसकना यानी कि मैं नर्मदा मैया जी के हृदय में जाकर बैठी। तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कोई भी डरने की बात नहीं, मैया जी के मैं हृदय में आ चुकी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे यानी बाद में आनंद की अनुभूति, आनंद ही आनंद मिला। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि जब रास्ता भटक जाते हैं तो माई दर्शन देती हैं और रास्ता बताती है, मदद करती है, ये भी तो सही बात है। जब हम रास्ते से चलते हैं, पहाड़ियाँ रहती है, जंगल रहते हैं, हमारे पीछे भी कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं रहता, तब उसी समय कोई बालक आ जाता है और हमें रास्ता दिखाता है। कभी पशु पक्षियों के रूप में भी हमें रास्ता दिखाती है मैया, कभी कभी हमें तो बहुत सारे अनुभव आए, पूरे एक एक दिन भर। अच्छा। हमारे साथ मोती कुत्ते ने हमें मार्ग दिखाया है बहुत सारे वक्त। अच्छा। अगर कोई भी ना होता जंगल में, हम अकेले जब होते तब मैया कौन से भी रूप में आती है और मार्ग दिखाती है। अच्छा, आपको किस किस रूप में दर्शन हुए आज तक? हमें जब हम ओंकारेश्वर से आगे आए तब एक जंगल था, उस जंगल में कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं। उस समय हम थोड़े घबरा गए, अब कहाँ जाए, रास्ते तो बहुत थे, 3-4 रास्ते थे, अब कहाँ जाए। उस समय नर्मदा जी का ध्यान किया कि सच में कहाँ जाना चाहिए, तो उस पूरे घनदाट जंगल में एक छोटी सी लड़की आई, बहुत छोटी थी, 4-5 साल की, जंगल में ना जाने वहाँ कौन सा घर नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन आंख खोलते समय सामने एक लड़की दिखाई दी, और उस लड़की ने बताया, मैया यहाँ से जाना है। ओ मैया यहाँ से जाना है, आगे हम चल पड़े। मन में आया कहीं ये लड़की मैया तो नहीं होगी, बाद में दौड़कर पीछे देखा तो कोई भी लड़की नहीं थी।
मतलब ये अनुभूति बहुत बहुत आती है। मतलब पहले से आवास नहीं होता है कि माता रानी दर्शन दे रही हैं, बाद में अनुभूति होती है। बाद में अनुभूति होती है। माता रानी हर किसी परिक्रमा वासियों को हर रोज दर्शन देती होगी, लेकिन सिर्फ परिक्रमा वासियों को उस माता रानी को पहचानने की दृष्टि उसमें होनी चाहिए। मैया तो हमारे साथ में ही है, सिर्फ वो कौन से रूप में दर्शन दे के जाएगी ये पता नहीं चलता। अभी तो आपकी परिक्रमा काफी बकाया है, अभी तो काफी लंबा सफर तय करना तो है, काफी लंबा समय। तो ये लगभग कितना दिन लग जाएगा? 3 साल 3 महीने वाली कर रही हैं या नहीं? जितनी अच्छा, मैं तो वैसे 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा रहती है जी, लेकिन साधु संतों को वो होता है, होता है, लेकिन हम संसारिक है। मेरा 7 साल का घर पर बेटा, उसे छोड़कर मैं आई हूँ। 7 वर्ष का बच्चा है? 7 साल का बेटा है वो, उसे छोड़कर आई हूँ। कुछ संसारिक होने के कारण बेटे के प्रति प्यार भी तो है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माँ है और माँ को प्यार नहीं होगा तो किसको होगा। जैसी मैया करवाएगी वैसा मैंने कोई संकल्प नहीं लिया है, इतने ही दिन में मैं परिक्रमा करवाऊंगी। जैसी मैया की मर्जी होगी वैसी वो मुझे चलाएगी, जितने दिन लगेंगे उतने लगे। बेटा किसके साथ है? बेटा उसके नानी के पास है। अच्छा, नानी के पास है। अच्छा, तो आपकी माताजी ने नहीं कहा कि छोटा सा बेटा है उसके छोड़ के कहाँ परिक्रमा करने जा रही हैं आप? नहीं, वैसा तो मेरे परमार्थ के बीच में कोई आया नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम दोनों पति पत्नी निकले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा। किसी ने रोका, और हमारा पूरा घर ही परमार्थिक है। नहीं, आध्यात्मिक होने के कारण किसी ने अड़काव नहीं किया। नर्मदा जी की जो व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है तो आध्यात्मिक तो है ही, और बेटा भी इतना आध्यात्मिक है जी। भगवान की कृपा से, मैया की कृपा से बेटा भी ऐसा मिला जी, कि जब जाने का निर्णय लिया तो बेटे ने भी खुद से कहा, माँ मेरी कुछ भी चिंता मत करो, अरे वाह, आप परिक्रमा के लिए जाओ। 7 वर्ष का बेटा इतना समझदार है। बस उसकी एक ही, अब जब फोन घर से आता है, जब वो फोन करता है तो इतना ही कि माँ तुम 2 महीने में आओगी ना, बस इतना ही। अब उसे थोड़ा सा लग रहा होगा कि माँ हमसे दूर हो गई, पापा भी दूर हो गए। और इसकी एक इच्छा, माँ जब मैं, अब वो दूसरी कक्षा में है, जब मैं 3री कक्षा में जाऊंगा तब मैं भी परिक्रमा करवाऊंगा। मुझे भी परिक्रमा करनी है, बस ये उसकी एक इच्छा है। बच्चों में संस्कार माता पिता के ही होते हैं। जब आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो अभी 3री क्लास में ना सही, लेकिन आगे जीवन में जरूर करेगा, जरूर करेगा वो। माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा हम भी चाहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे।